नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एक ही बात है, एक बड़े न्यूक्लियस के दूसरे छोटे न्यूक्लियस में टूटना, रेडियो एक्टिविटी का होना न्यूक्लियर रिएक्शन है. फिजन आपको पता है क्या होता है, रिएक्टर, रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें कंट्रोल रॉड्स हैं, यूरेनियम है इसमें, तो रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो इसमें फिजन करवाया, फिजन मीन्स रेडियो एक्टिविटी करवाई, एनर्जी निकली, एनर्जी यहाँ पे गई, जब एनर्जी यहाँ पे गई तो यहाँ पे जो पानी है वो गर्म हो गया, स्टीम बनी, स्टीम से टर्बाइन चली, बिजली पैदा हुई, फिर बचा हुआ पानी या बची हुई स्टीम को वापस यहाँ पर पानी को डाल दिया. तो यहाँ से यूरेनियम यूज़ करके एनर्जी निकलती रहती है, पानी गर्म होकर स्टीम कन्वर्ट होकर टर्बाइन में हम बिजली पैदा करते रहते हैं. और रिएक्शन ऐसा ना हो कि अनकंट्रोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या चल, रेडियो एक्टिविटी चल रही है, अगर अनकंट्रोल हो गया फट जाएगा ये, तो कंट्रोल रॉड डाली जाती हैं जो इसको कंट्रोल कर सकती हैं, रोक भी सकती हैं, इसको बढ़ा भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं. तो ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है. आता नहीं है, बट एक क्वेश्चन 4 या 5 साल पहले एनसीईआरटी में आया था, पैसेज टाइप आया था, कंट्री के बारे में पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था. तो वो यूक्रेन था, अभी आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है, पहले लोगों को कम पता होता था, तो मेडिकल वालों को पता होता था, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर कुछ था लड़ाई से पहले, अभी नहीं, वैसे नहीं. तो ये एनसीईआरटी के अंदर कुछ लिखा हुआ था उसमें, तो यूक्रेन के अंदर एक जगह है वहाँ पर, वो सब उसमें मेंशन था, रशिया और यूक्रेन की जगह, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था. तो मतलब वैसे बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में लिखा था, तो उन्होंने ऐसा कुछ पैसेज डाला था. हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, फिर लोग कहते थे सुबह अखबार में उठ के कि यार पेपर वॉज रियली टफ, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ स्कोप आया हुआ था. तो लोगों ने जब खोल के देखी नीली रंग की किताब, उसमें मेंशन था उसमें, ठीक. तो इसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है, कभी कभी हो जाता है. न्यूक्लियर होलोकास्ट, होलोकास्ट क्या है, अगर न्यूक्लियर वेपन चल गए तो इतना धुआं हो जाएगा, इतना धुआं हो जाएगा कि सनलाइट आनी बंद हो जाएगी. वैसे लोग अगर बच भी जाएं तो सनलाइट ना आने की वजह से वैसे तबाह हो जाएंगे. तो तबाही जो इसमें पैदा होगी न्यूक्लियर वेपन चलने से, उसको न्यूक्लियर होलोकास्ट बोलते हैं. और सनलाइट का ना आना जिससे कि और तबाही मचना और ठंड हो जाना, उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं. न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर विंटर का मतलब है वेपन चलने से सर्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी न्यूक्लियर रिएक्शन से, सनलाइट ना आने से सर्दी हो जाएगी, तो न्यूक्लियर विंटर हो जाएगी.